हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना सोना सिंह। आप सभी का स्वागत है सपना सिलाई सेंटर में। तो देखिए, आज मैंने ये सूट का कपड़ा लिया हुआ है, तो मैं इसकी फुल कटिंग एंड पिंच स्टिचिंग बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने सूट की हाफ कलर नेक बनाऊंगी, तो उसकी मैं पहले अच्छे से मैं आपको कटिंग समझाऊंगी, तो आप लोग बिना स्किप की एंटर वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, हम पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे डबल फोल्ड में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने डबल फोल्ड में कपड़े को ले लिया है, ठीक है। अब ये इसको हम एक और फोल्ड कर लेंगे, जिससे हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के साथ में हम कटिंग कर लें, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक और डबल फोल्ड कर दिया। अब देखिए, हम इसकी करेंगे मार्किंग। तो इसकी मार्किंग कैसे करनी है, यहाँ पे अपनी चेस्ट अकॉर्डिंग चौड़ाई लीजिएगा, उसमें प्लस मार्जिन रख लीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 9.5 इंच रखा है, ठीक है। 8 इंच चेस्ट अकॉर्डिंग मार्किंग आ रहा है और मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है, ठीक है। अब देखिए, हम इस तरह से पूरे जितनी आपको सूट की लंबाई चाहिए उतना आप यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे रखते हुए पूरे पे इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा 36 इंच, मुझे चाहिए यहाँ पे 36 इंच। आपको जितना लंबाई चाहिए आप उतना लंबाई यहाँ से रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 36 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। देखिए, यहाँ पे इसी तरह से सीधे में एक लाइन मिला रहे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सीधे में लाइन मिलाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 7 इंच, मुझे 7 इंच शोल्डर रखना है। आप अपने अनुसार यहाँ पे शोल्डर रख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना आप शोल्डर रखिए उतना ही आप आर्म होल की भी मार्किंग कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आर्म होल का 7 इंच है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक सीधे में लाइन मिला लेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सीधे में लाइन मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए, इस तरह से हम वेस्ट लाइन मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारा वेस्ट लाइन आएगा 15 इंच, ठीक है। तो आप अपने हिप अनुसार लगा लीजिएगा कि आपकी हिप की बात आपकी ऊंचाई कितनी पे आती है, ठीक है। तो आप अपनी ऊंचाई अनुसार यहाँ पे लगा लीजिए। मैं यहाँ पे ऊंचाई अनुसार 15 इंच रखती हूँ वेस्ट। आप भी ज़्यादातर यहाँ पे 14.5 या 15.5 आप यहाँ पे वेस्ट साइज रख सकती हैं। देखिए, इस तरह से आप सीधे में लाइन मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हमें यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच मार्क किया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से भी इस तरह से 7 इंच में मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ से मार्क करने के बाद इस तरह से रखते हुए सीधे में लाइन मिला लेंगे। इस तरह से यहाँ पे सीधे में लाइन मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे चेस्ट अकॉर्डिंग आप अपने फिटिंग की मार्किंग कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर रही हूँ 8 इंच पे, ठीक है। 8 इंच पे इस तरह से फिटिंग की मार्किंग कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे वेस्ट साइज, यहाँ पे भी हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे अपने अनुसार। तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी 7 इंच पे, क्योंकि वेस्ट साइज है यहाँ पे 26 इंच है। तो मेरे ख्याल यहाँ पे उसकी एक भाग करते हुए यहाँ पे मैंने लूजिंग को देते हुए 7 इंच रखा है, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे हिप के लिए मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिप के लिए मार्क करने के लिए पहले हम यहाँ से मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे 15 इंच। अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकती हैं 1 इंच, या यहाँ पे एक कम भी ले सकती हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार है कि आप कहाँ तक जोर रखना चाहती हैं और कहाँ से सूट की घेरा को खुला रखना चाहती हैं, उसके अनुसार आप यहाँ से ले सकती हैं। मैं यहाँ पे रखूँगी 15 इंच, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 15 इंच के इसको भी इस तरह से सीधे में लाइन मिला लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे हिप की भी फिटिंग की मार्किंग ले लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे बिल्कुल चेस्ट के अकॉर्डिंग में बराबर ले रहे हैं, क्योंकि मेरा हिप साइज है 30 इंच। तो देखिए, मैं यहाँ पे लूजिंग को देते हुए अच्छे से अपने यहाँ पे एक्स्ट्रा में लूजिंग दे रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 8 इंच ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लूजिंग देते हुए इस तरह से मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पे जो मार्क किए हैं बिल्कुल उस मार्क को इस तरह से मिलेगा, तो चलिए इस तरह से इंच टिप को रखते हुए सीधे में लाइन मिला लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसको भी मिला लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो हम आर्म होल की गुलाई करेंगे, तो इसकी गुलाई देखिए किस तरह से करनी है। बिल्कुल इस तरह से हम इस रखेंगे और यहाँ से इस तरह से गुलाई कर लेंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो इस तरह से भी 1 इंच पे इसकी गुलाई कर सकती हैं, तो 1 इंच पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से 1 इंच पे इसकी गुलाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ से बाकी इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर होगा बैक सेंटर लाइन। तो देखिए, दोनों को इस तरह से ले लेंगे, साथ ही इसको हाफ कर लेंगे, आ रहा है 7.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये है सेंटर बैक लाइन, ठीक है। तो देखिए, हम इसके अनुसार ही हम यहाँ पे अब गले की मार्क करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर गले की मार्क करने के लिए हम शोल्डर स्लोप लाइन की मार्क करेंगे।
तो देखिए आपको इस तरह से मिल गया। तो देखिए यहाँ पे साइज के अनुसार होता है, यहाँ पे चेस्ट की बॉटम साइज के अनुसार आप यहाँ पे शोल्डर स्लोप लाइन ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लूँगी 28 और 34 के बीच में, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्लोप लाइन लूँगी 7-8 इंच पे इस तरह से एक्स्ट्रा में मार्क करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा और यहाँ पे भी सीधे में लाइन मिला लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लाइन मिला लीजिए। अब देखिए लाइन मिलाने के बाद हम यहाँ पे गले की मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम अच्छे से 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, इसलिए देखिए हम यहाँ पे 3.5 इंच पे इसकी मार्क करते हुए हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच की चौड़ाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे गले पे 1 इंच की गहराई दे दीजिएगा, ठीक है। मुझे हाफ कॉलर नेक बनाना है, तो हाफ कॉलर नेक बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 इंच की गहराई देंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। और यहाँ पर इस तरह से मार्क करने के बाद इस तरह से बिल्कुल इस तरह से गुलाई दीजिए, हल्की गुलाई दे दीजिएगा यहाँ से इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे बाकी मार्किंग, तो इस लाइन को इस लाइन से इस तरह से मिलाइए, ठीक है। अब यहाँ से मिलाने के बाद देखिए हम यहाँ से गले से डाउन करेंगे शोल्डर साइड, तो गले से शोल्डर साइड डाउन करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से मार्क करेंगे, इस तरह से हम मार्क करेंगे तिरछे में। इस तिरछे मार्क करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1.25 इंच, इस तरह से 1.25 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे और इस तरह से यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब ध्यान दीजिएगा जितना हमने शोल्डर रखा था यहाँ से, तो यहाँ से आ रहा है 4.5 इंच, तो बिल्कुल इस तरह से रखते हुए हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 4.5 इंच यहीं पे आ रहा है बिल्कुल सेंटर के पास, तो यहाँ से मार्क कर लिए, ठीक है, बिल्कुल ये लाइन मिला लिए। अब हम करेंगे इसी में फ्रंट पार्ट की कटिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे इसकी अरमोल की मार्किंग। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे कम किया था, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे रखते हुए हम 1 इंच यहाँ पे डाउन रखेंगे, ठीक है। 1 इंच यहाँ पे डाउन रखने का बिल्कुल यहाँ से भी हम इसी तरह से 1 इंच डाउन कर लेंगे, और डाउन करने के बाद बिल्कुल यहाँ से अरमोल के साइड को इस तरह से तिरछे में मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से तिरछा मिला लीजिएगा। अब देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे शोल्डर की मार्क किए थे, तो शोल्डर की मार्क किए थे इस तरह से 4.5 इंच आया था, तो ठीक इसी तरह हमें यहाँ से भी शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो ये भी बिल्कुल बराबर आना चाहिए, तो ये रहा यहाँ से 4.5 इंच, ठीक है। इस तरह से इस डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ से डाउन करने के बाद जो आता है, तब यहाँ से इस लाइन को इस तरह से यहाँ पर मिला लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल इस बैक साइड की गुलाई के जस्ट बगल में नीचे ही इस लाइन को इस तरह से मिला लीजिएगा। अब यहाँ से जो है हम यहाँ पे गले की मार्क करेंगे, बिल्कुल इस लाइन से हम गले की मार्क करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 3.5 इंच लिया है, ठीक है। इस तरह से 3.5 इंच पे इस तरह से रखते हुए इसे इस तरह से लंबाई में मार्क कर लीजिएगा। और मार्क करने के बाद देखिए हम इस लाइन से इस तरह से मार्क करेंगे गले की मार्क, बिल्कुल इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे 7 इंच पर गले की मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार गले की मार्क कर सकते हैं, आप जैसा गला का सेप चाहती हैं वैसा गले का सेप आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 7 इंच रखा है क्योंकि हाफ कॉलर नेक बनाना है, और मुझे यहाँ पे हल्की पानी गली का सेप देना है, तो यहाँ पर हल्की मेरे पानी गली का सेप देने के लिए, तो देखिए इस तरह से हल्की मेरे पानी गली का सेप दे दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, तो उसके लिए पहले हम देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। देखिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे लिए हैं 1.5 इंच, ठीक। इसी तरह हम यहाँ पे भी ले लेंगे 1.5 इंच और हिप साइड भी हम ले लेंगे 1.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ से भी हम इसको एक सीधे में लाइन मिला लेंगे, बिल्कुल जो मार्क किए हैं उसी मार्क से इस तरह से रखते हुए हम सीधे में लाइन मिला लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरी मार्किंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए जो यहाँ पे अरमोल साइड है, अरमोल की हमने यहाँ पे मार्किंग करी, इसकी मार्किंग कैसे करनी है, देखिए यहाँ पे जो हमने मार्क की है तो ये बैक साइड के लिए, लेकिन हमने फ्रंट पार्ट के लिए अरमोल की मार्क करनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पे सेंटर लाइन से मिलाते हुए देखिए 1 इंच की 1 इंच पर मार्क करेंगे, ठीक है। ये रहा 1 इंच, इस तरह से हम यहाँ पे 1 इंच मार्क कर लिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें गुलाई देनी है, इस तरह से लानी है और इस तरह से लाते हुए बिल्कुल
इस सेंटर लाइन के बीच और बीच इस तरह से लगे, इस तरह से लग गई हूँ, इस तरह से मार्किंग मिला देनी है, ठीक है। देखो इस तरह से इसकी मार्किंग मिला दी, ये लाइन बिल्कुल इस तरह से रहेगी सीधा में, और यहाँ से इसको लाकर इस तरह से इसको मिला दी। ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा करना है, बस हाफ इंच एक्स्ट्रा करना है, वो आपको इसे अंदाजा नहीं है। देखिए मैंने एक इंच का मार्क करते हुए इसके बीचों बीच इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए गोलाई कर दी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कटिंग हम कर देंगे। अब ये क्लियर समझ में आए ना, पता नहीं कि आप यहाँ पर चाहें, अगर आप यहाँ पे चाहें तो डॉट डालने के लिए, तो डॉट डालने के लिए देखिए मैं बता देती हूँ आपको कैसे इस पर डॉट डाला जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे चेस्ट की साइज ले लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए चेस्ट आपको जितना होगा उसके अनुसार लेना है। तो मैं 28 से 38 के बीच में बता देती हूँ कि आप यहाँ से 12 इंच ले सकती हैं। देखिए यहाँ पर जो लाइनिंग ले इस लाइन से यहाँ से 12 इंच पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 12 इंच मार्क कीजिएगा। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 4 इंच पे। अब देखिए आप यहाँ पर चेस्ट सेंटर जितना आता होगा उसके अनुसार से लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 इंच रखा है, ठीक है। 4 इंच रखते हुए देखिए मैंने हाफ इधर से और हाफ इंच इधर से इस तरह से मार्क कर लीजिएगा, और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से मिला दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ऐसे मिला लीजिएगा तिरछे में मार्किंग को, बिल्कुल इस तरह से आप हाफ रख लीजिए। अब ये जिस तरह से यहाँ पे आया हुआ है तो इसको इस तरह से मार्क कर लीजिएगा, ये आ रहा है 3.25 इंच, इस तरह से 3.25 इंच नीचे की तरफ से मार्क कर लेंगे, ठीक है। 3.25 इंच इस तरह से नीचे से मार्क करने के बाद इसको भी सीधे में लाइन मिला देंगे, और सीधे में लाइन मिलाने के बाद इसको भी इस तरह से अच्छे से तिरछे में डॉट के लिए मिला लेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पे इस डॉट की सिलाई लगा लीजिए, लेकिन यहाँ पे डॉट की सिलाई तब लगाइएगा जब यहाँ पे आप वेस्ट साइज यहाँ पे डॉट के लिए एक्स्ट्रा रखी होगी तब। तो देखिए मैंने यहाँ पे डॉट नहीं डाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेस्ट साइज बिल्कुल फिटिंग रखी है। अगर मैं इस डॉट को डालती हूँ तो मेरा वेस्ट साइज यहाँ से बढ़ जाएगा। देखिए मैंने 1 इंच लगा ली, 1 इंच यहाँ से ये बढ़ जाएगा, तो ये मार्क यहाँ पर आ जाएगा, फिटिंग वाली मार्क यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले लीजिएगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हम पहले हम बाहरी मार्किंग की कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं आप इसकी कटिंग हो गई है। अब जो जोड़ है ना उस जोड़ को कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो जोड़ है इस जोड़ को हम खोल लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे करनी है, तो इस तरह से हम इसको बैक पार्ट को साइड कर लेंगे, इस तरह से इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे फ्रंट पार्ट को, और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे गले की कटिंग नहीं कर रही क्योंकि मुझे गले पे पेस्टी लगाना है। तो आप यहाँ पे फिर वीडियो देख लीजिए, तो यहाँ पे मैं गले का सिर्फ छोड़कर बाकी सब कटिंग कर लूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी फुल कटिंग, इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। तो आपको ये कटिंग कैसी लगी, उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर कटिंग अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर इसका सिलाई की वीडियो देखना चाहती हैं, इसका सिलाई की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी सिलाई का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।